राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभय वीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर के तेजी से बदलते हुए स्वरूप एवं नए निर्माण कार्यों के संबंध में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी प्रस्तुत करूँगा। दैहिक दैविक भौतिक तापों से परिपूर्ण इस संसार में प्रभु श्री राम ही एकमात्र आशा हैं। प्रभु श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण इस चैनल में प्रभु श्री राम की आत्मा का वास है, और जहां आत्मा का वास होता है वहां परमात्मा की अपार कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़ें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। सामने दृष्टिगत प्रदेश राम मंदिर के उत्तरी दिशा में चल रहे सबसे नए निर्माण कार्यों का सबसे लेटेस्ट वीडियो है, जो कि आपको कहीं भी अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। और यहां आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के उत्तरी छोर पर नए निर्माण कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। राम मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों की लेटेस्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि परिसर के उत्तरी छोर में परकोटा के भव्य निर्माण कार्यों को तेजी से किया जा रहा है, और उत्तरी छोर से कुछ ही दूरी पर परकोटे के पिलर्स को लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, और यह परकोटा 832 मीटर की परिधि में बनाया जाना है। यहां आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर बंसी पहाड़पुर एवं मिर्जापुर की खानों से बड़ी संख्या में पिंक सैंड स्टोन लाए गए हैं, और इस परिसर में पूरी तरीके से पिंक सैंड स्टोन आपको चारों ओर दिख रहा होगा, और यहाँ पर बड़ी क्रेनों के माध्यम से पत्थरों को तेजी से लगाया जा रहा है। और वर्तमान में परकोटा के पिलर्स की निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो लगभग 40 से अधिक पिलर उत्तरी छोर में लगाए जा चुके हैं। सामने दृष्टिगत प्रदेश में आप देख सकते हैं कि परकोटा के भव्य प्रवेश द्वार, जो कि उत्तरी छोर पर निर्मित किया जाना है, उसके निर्माण कार्यों को अब तेजी से किया जा रहा है, और उम्मीद है कि लगभग 6 महीने की अवधि में परकोटा के लगभग 2 प्रवेश द्वार अपना अंतिम रूप ले लेंगे। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य आपको वर्तमान में दिख रहा है उसके ठीक 20 फीट नीचे भूमि का धरातल है, यानी धरातल से लगभग 20 से 30 फीट ऊंचे राम मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और यदि आप राम मंदिर को संपूर्ण परिसर को देखेंगे तो यहाँ पर जो राम मंदिर की जो नींव है वह लगभग 40 फीट गहरी बनाई गई है, और जिसमें 20 फीट तक केवल फाउंडेशन के निर्माण कार्यों को किया गया है, और इसमें जो 20 फीट ऊंची वॉल है उसको पूरी तरीके से कर्नाटक से मंगाए गए ग्रेनाइट के पत्थरों से संपूर्ण मंदिर को ढक दिया गया है। और यहाँ पर इसको बनाने का जो सबसे पहला उद्देश्य था कि यह पूरी तरीके से नमी रोधी एवं हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहे, और इसके फाउंडेशन में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। अतः इसके लिए यहाँ पर कर्नाटक के ग्रेनाइट के पत्थरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। इस विषय में LNT के परियोजना प्रबंधक विनोद मेहता जी ने हमें जानकारी दी कि यहाँ पर जो कर्नाटक के ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल है उनकी जो संख्या है वह 35,000 के आसपास है, यानी इतनी बड़ी संख्या में कर्नाटक के ग्रेनाइट के पत्थर राम मंदिर के फाउंडेशन में उपयोग किए गए हैं, और इन्हीं ग्रेनाइट के पत्थरों के ऊपर मकराना के संगमरमर से संपूर्ण राम जन्मभूमि परिसर की फर्श को निर्मित किया गया है। यानी जब आप राम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जो आपको फर्श दिखाई पड़ती है वह ग्रेनाइट के ही पत्थरों के ठीक ऊपर बनाई गई है, और राम मंदिर का जो फाउंडेशन है वह इतना अधिक मजबूत और स्टेबल बनाया गया है कि हजारों वर्षों तक यह मंदिर हमेशा अडिग रूप में खड़ा रहेगा। निर्माणाधीन संस्था LNT द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरे चरण के प्रस्तावित सभी निर्माण कार्यों को समय से पहले पूरा करने की योजना पर अब तेजी से अमल करना शुरू कर दिया गया है, और राम मंदिर के भूतल के स्तंभों पर आइकनोग्राफी से मूर्तियों को उकेरने का काम भी कारीगर स्पष्ट करते हुए दिख रहे हैं। और राम मंदिर में आइकनोग्राफी के जरिए अलग अलग स्थानों को
मिलाकर के करीब 8000 मूर्तियों के निर्माण कार्य किए जाने हैं और यह काम काफ़ी अधिक बड़ा होने के साथ ही जटिल एवं श्रमसाध्य है। और राम मंदिर परिसर में अभी तक दर्शनार्थियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस दौरान मूर्तियों की तराशी एवं नक्काशी कार्य भी काफ़ी अधिक दुरू हैं। और यहाँ पर हमें यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि राम मंदिर के ऊपरी तल के निर्माण कार्यों के लिए मुख्य रूप से कीर्तन एवं प्रार्थना मंडप को तैयार करने की योजना बनाई जा रही है और रंग मंडप का काम लगभग पूर्ण होने की अवस्था में बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 90 से 95 दिन की अवधि में रंग मंडप के शिखर एवं कीर्तन एवं प्रार्थना मंडप के दोनों शिखरों के निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर लिए जाएंगे। राम मंदिर के सेकंड फ्लोर के सबसे लेटेस्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि जहां जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं उन संरचना को पर्दों के द्वारा ढक दिया गया है, यानी जिस स्थान पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वहां पर सुरक्षा मानकों का भी भरपूर पालन किया जा रहा है। और साथ ही श्री राम जन्मभूमि परिसर में लगभग 20 से अधिक क्रेनों को श्री राम जन्मभूमि परिसर में लाया गया है, जो कि पत्थर जो श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित हैं उन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए यहाँ पर इनका उपयोग लिया जा रहा है और मुख्य रूप से परकोटा के निर्माण कार्यों के लिए इन सभी क्रेनों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर के नए निर्माण कार्यों से राम मंदिर के बदलते स्वरूप एवं नए निर्माण कार्यों के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राम मंदिर परिसर में बनने वाले सप्त मंडपम का निर्माण कार्य अब प्रारंभ कर दिया गया है और सप्त मंडपम में भगवान राम के समकालीन 7 पात्रों के मंदिर बनाए जाने हैं। और सप्त मंडपम का निर्माण कार्य परिसर में किस स्थल पर होगा इसके लेकर के भी अब ट्रस्ट ने इस जगह को निर्धारित कर दिया गया है। और 7 मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त्य, विश्वामित्र, निषादराज, माता शबरी तथा अहिल्या के मंदिर इस सप्त मंडपम में बनाए जाने हैं। और बैठक में मंदिर निर्माण की सलाहकार यानी CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के इंजीनियर्स भी इस परिसर में मौजूद रहे, जिन्होंने यहां पर लगाए जा रहे पत्थरों की भरपूर टेस्टिंग की ताकि राम मंदिर में जो भी पत्थर उपयोग किए जा रहे हैं उनमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। अतः इसके लिए भी लगातार पत्थरों की टेस्टिंग की जा रही है और जो भी पत्थर ऊपरी तल के निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जा रहे हैं उनको भी जांचा परखा जा रहा है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि राम मंदिर निर्माण कार्यों के पूर्व ही CBRI द्वारा ही राम जन्मभूमि परिसर में बंसी पहाड़पुर एवं मिर्जापुर के पत्थरों का चयन किया गया था और यह पत्थर ही मंदिर निर्माण में सबसे अधिक उपयुक्त पाए गए और इसी कारण से ट्रस्ट ने इन पत्थरों पर पूरी तरीके से सहमति व्यक्त की और राम मंदिर के 90% से अधिक पत्थर इन्हीं बंसी पहाड़पुर के ही प्रयोग किए जा रहे हैं और इसमें लगभग 50% के आसपास रेड सैंडस्टोन उपयोग में लाए गए हैं। और यहां पर बहुतायत आपको पिंक सैंडस्टोन देखने को मिल जाएंगे जो कि बरसात के मौसम में पानी पड़ने पर यह काफ़ी अधिक खूबसूरत एवं मनमोहक प्रतीत होते हैं और यह पत्थर न तो अधिक कठोर होते हैं और न ही अधिक मुलायम, क्योंकि पत्थर यदि कठोर होंगे तो उन पर तराशी संभव नहीं है और यदि पत्थर बहुत अधिक मुलायम होंगे तो वे पत्थर टूट जाएंगे। अतः मध्यम दृष्टि से ही पत्थरों का चयन किया गया है जिस पर आसानी से तराशी एवं नक्काशी की जा सके और इसे राम मंदिर के सभी स्थानों पर लगाया जा सके। सामने आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के हुनरमंद कलाकारों के द्वारा काष्ठ पर हनुमान चालीसा बना करके यहाँ पर प्रभु श्री रामलला को अर्पित की गई और जिसे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और लगभग 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद लकड़ी पर हनुमान चालीसा को निर्मित किया गया के विशेषज्ञ हैं उड़ीसा से श्रद्धा भावपूर्वक प्रभु के चरणों में
उन्होंने इसको समर्पित किया है, ट्रस्ट ने उसको स्वीकार किया है और समय आने पर उसको उचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम के दिव्य अलौकिक मंदिर के तेजी से बदलते हुए नए स्वरूप एवं नए निर्माण कार्यों के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम।